ओप्पो का A17 स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो गया है, बट मुझे पर्सनली ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेकार लगा। इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में, इस प्राइस के साथ में इस स्मार्टफोन को लाया गया इंडियन मार्केट में, मैं आपको साफ साफ मना करूंगा कि आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप खरीदोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। वीडियो को पूरा देख लो, मैं मना क्यों कर रहा हूँ खरीदने के बारे में आपको पता लग जाएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको एक बॉक्सी डिजाइन मिलने वाली, बैक आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, आगे की ओर आपको नॉच देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन है देखने में काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छी डिजाइन के साथ में स्मार्टफोन लाया गया है, बट जो इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस हैं वो मुझे काफी ज्यादा बेकार लगे। प्राइस में आपको इस स्मार्टफोन की लास्ट में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में 6.56 इंचेस की HD+LCD पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन की प्राइस 10,000 रुपए से ऊपर रखी गई है, तब भी इसमें आपको केवल HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। मुझे काफी एक बेकार बात लगी इस स्मार्टफोन के हिसाब से। आजकल जो HD+ डिस्प्ले है ना, हमें 5-6,000 रुपए की प्राइस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। इसकी प्राइस तो काफी ज्यादा रखी गई है, क्या पता ओप्पो ने किस हिसाब से इस स्मार्टफोन में HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे दी। कैमरास की अगर मैं बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको 50MP का डुअल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 50MP का मिल जाएगा प्राइमरी कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। रेयर साइड की कैमरा क्वालिटी तो आपको इस स्मार्टफोन में ठीक ठाक मिल जाती है, बट इस स्मार्टफोन में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है केवल और केवल 5MP का, जो कि काफी लो क्वालिटी का कैमरा दिया गया है। 10,000 रुपए से ऊपर वाली प्राइस के स्मार्टफोन में आपको 5MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, तो ये ओप्पो को समझना चाहिए कि किस प्राइस के साथ में कौन सा कैमरा देना चाहिए। तो दूसरी बेकार बात मुझे ये लगी, बात की जाए प्रोसेसर की, इस स्मार्टफोन में ऑक्टाकोर का मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 12nm आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर है। इसी के साथ स्मार्टफोन में हमें कलर OS 12.1 देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। स्मार्टफोन में 4GB की रैम देखने को मिलेगी, जिसके साथ 4GB की वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलता है। तो टोटल इस स्मार्टफोन में 8GB की डायनेमिक रैम देखने को मिलती है, 64GB की स्टोरेज मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन की जो प्राइस रखी गई है उसके हिसाब से हीलियो G35 का प्रोसेसर देना कोई एक सेंस वाली बात नहीं होती। कम से कम स्मार्टफोन में G70 का प्रोसेसर ही होता तो हम थोड़ा बहुत देख लेते, उसके बारे में खरीदने के बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते, बट G35 काफी छोटा प्रोसेसर है। बैटरी की बात की जाए, बस इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है वही मुझे अच्छी लगी। इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 10 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। ओप्पो के A17 स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आपको बता दिए। ये स्मार्टफोन अभी ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है 12,499 रुपए की प्राइस के साथ में, जिसमें आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। इन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मुझे इस स्मार्टफोन की प्राइस काफी ज्यादा लगी, इसलिए मैंने आपको स्मार्टफोन को बाय करने के बारे में मना किया। जो कुछ था स्मार्टफोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिपेंड आप पे करता है आपको खरीदना है नहीं खरीदना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।